हेलो एवरीवन, IITS द्वारा रन किए जाने वाले इस यूनिक करियर फोरम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम IITs में रन किए जाने वाली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड 41 ब्रांचेस के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स आपको बताने वाले हैं, ताकि जोसा काउंसलिंग में आपको काफी मदद मिले और आपके रैंक के साथ आप इसको टैली भी कर पाए कि आपको कौन सा IIIT मिल सकता है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस। सो व्यूअर्स, यू वॉचिंग फ्रेशर्स गेट। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज, सबसे फर्स्ट हमारे पास आ जाता है IIIT लखनऊ का कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस से ब्रांच। 4 ईयर का ही बीटेक डिग्री है। 60 सीट्स आपको इसमें मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे इस चार्ट में देख रहे हैं। हमने एवरी कैटेगरी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पे दिए हैं। अब जहाँ पे हमने NA लिखा है, उसका मतलब है वहाँ पे किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप OBC NCL के स्टूडेंट है तो आपका रैंक 4700 के अंडर का अगर है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस जैसी हाई डिमांडिंग ब्रांच जरूर मिल सकती है। यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक हमने दोनों दिए हैं एवरी कैटेगरी के, तो प्लीज आप इसे पॉज करके जरूर देखिए इस वीडियो को, इस चार्ट को। और अगर आपका कैटेगरी रैंक इस कैटेगरी रैंक के अंडर है तो डेफिनेटली आपको ये ब्रांच मिलेगा। नेक्स्ट है गाइज, हमारे पास IIIT नागपुर का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 4 ईयर डिग्री का ये ब्रांच। 66 सीट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए फीमेल सुपर न्यूमररी में किसी भी तरह का रिजर्वेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी आप यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स देख सकते हैं। कैटेगरी रैंक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IIIT नागपुर का ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स ये ब्रांच, ये भी 4 ईयर का ब्रांच है। 66 सीट्स यहाँ पे आपको मिलेगी। फीमेल सुपर न्यूमररी में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। फिर है IIIT नागपुर का ही हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी। कई बार हमें स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमें गेमिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्रांच में जाना हो IITs NITs में, तो यहाँ पे आपके पास IIIT आपको मौका दे रही है गेमिंग टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच में। फिलहाल में IITs या फिर NITs में ब्रांच नहीं है, तो यहाँ आपके पास और एक गोल्डन चांस है। इसमें भी 66 सीट्स आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास IIIT मणिपुर का कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ये ब्रांच, 4 ईयर का ये ब्रांच है। यहाँ पे 55 सीट्स आपको मिलती है। जहाँ हमने NA लिखा है, मतलब सिंपल है, वहाँ पे किसी भी तरह का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है गाइज, हमारे पास IIIT कोटियम का कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ये ब्रांच, 4 ईयर का ये भी ब्रांच है। 65 टोटल सीट्स आपको यहाँ पे मिलेगी। फीमेल सुपर न्यूमररी में भी यहाँ पे आपको कई सारी सीटें अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास IIIT किलोरद, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये 4 ईयर का ब्रांच चलता है, तो मेन ब्रांच अभी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। 120 सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन फीमेल सुपर न्यूमररी में यहाँ पे किसी भी तरह का कोटा नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए IIIT वडोदरा, जहाँ 176 सीट्स आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे फीमेल सुपर न्यूमररी में भी आपको सीटें मिल जाती है। तो ये लक बाय चांस वाला फैक्टर होता है फीमेल सुपर न्यूमररी। उससे बेहतर है कि ऑल इंडिया रैंक जनरल न्यूट्रल जो हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बताया है आपको, उसी को आप ज्यादातर कंसिडर करें। नेक्स्ट है हमारे पास IIITM ग्वालियर का CSE, जहाँ पे 75 सीट्स मिलती है। फीमेल सुपर न्यूमररी के भी आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। जहाँ पे NA लिखा है हमने, उसका मतलब है वहाँ किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। और जो भी चार्ट आपको पसंद आता है या फिर जो भी IIIT आप सोच रहे हैं जाने के लिए, तो उसका पर्टिकुलर चार्ट आपको पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और चार्ट को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट है गाइज, हमारे पास IIIT कोटा का CSE 180 सीट्स यहाँ पे मिलती है। काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट होते हैं इस IIITs के। इनफैक्ट हमने एवरी IIIT के प्लेसमेंट हमारे चैनल पे दिए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल वीडियोस को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको पर्टिकुलर IIIT में जाना है तो वहाँ का आपको फ़ी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वहाँ के आपको हॉस्टल फी के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ के प्लेसमेंट कैसे होते हैं इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर एडमिशन का सोचिए। तो हर IIIT के कंप्लीट वीडियोस आपको हमारे चैनल पेजेस में मिल जाएंगे, तो वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल आई टी गुवाहाटी, ये भी काफी बढ़िया ट्रिपल आई टी है। 165 सीट्स आपको मिलती है सीएसई ब्रांच के लिए। इसके बाद है हमारे पास 10 नंबर पे ट्रिपल आई टी कल्याणी, जहाँ पे 118 सीट्स आपको मिलती है। फीमेल सुपर न्यूमरी में किसी भी तरह का रिजर्वेशन यहाँ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल आई टी ऊना, जहाँ पे 69 सीट्स मिलती है सीएसई के लिए, और यहाँ पे किसी भी तरह का फीमेल सुपर न्यूमरी आपको नहीं मिलेगा। फिर है इसके बाद हमारे पास ट्रिपल आई टी श्री सिटी, 275 सीट्स आपको मिलती है। सबसे ज्यादा सीट मेरे ख्याल से ट्रिपल आई टी श्री सिटी में सीएससी की मिल रही है आपको। यहाँ पे फीमेल सुपर न्यूमरी में भी काफी सीटें आपको इजीली मिल जाती है। इसके बाद है गाइज हमारे पास ट्रिपल आई टी डीएम कांचीपुरम सीएससी, काफी फेमस सीएससी है यहाँ का। 99 सीट्स आपको मिलती है। सभी प्रकार के रिजर्वेशन लगभग यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ के प्लेसमेंट भी काफी बढ़िया रहते हैं गाइस, क्योंकि इनका मेंटर इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास रह चुका है, तो जाहिर सी बात है। और अगर आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में और डिटेल में जानना हो, तो ऑलरेडी हमने एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप जरूर चेक कीजिएगा। इसके बाद है गाइस हमारे पास ट्रिपल आई टी डीएम जबलपुर, जहाँ पे सीएससी में आपको 275 सीट्स मिलती है। यहाँ पे फीमेल सुपर न्यूमरी में भी काफी ज्यादा सीटें आपको मिल जाती है बाकी ट्रिपल आई टी के तुलना में। फिर इसके बाद है हमारे पास ट्रिपल आई टी मणिपुर का सीएससी, 132 सीट्स आपको यहाँ पे मिल रही है। सभी प्रकार के मेजर रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास गाइस ट्रिपल आई टी त्रिची, 75 सीट्स है। इनका मेंटर इंस्टीट्यूट एनआईटी त्रिची रह चुका है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट में काफी डिमांड में चलने वाला ट्रिपल आई टी है। अब नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ट्रिपल आई टी धारवाड, जहाँ पे 165 सीट्स आपको मिलती है सीएससी में। यहाँ भी फीमेल सुपर न्यू में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। इसके बाद है हमारे पास ट्रिपल आई टी डीएम कुरनूल, काफी बढ़िया ट्रिपल आई टी है। 70 सीट्स आपको मिल रही है सीएससी में फिलहाल। आगे चल के नंबर ऑफ सीटें भी बढ़ सकती है यहाँ की। यहाँ भी आपको फीमेल सुपर न्यूमररी में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन आप फीमेल है तो आप ऑल इंडिया रैंक जनरल न्यूट्रल का जो हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिया है वहीं आप कंसिडर करें। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल आई टी कोटियम, जहाँ पे सीएससी में 129 सीट्स मिलती है। फीमेल सुपर न्यूमरी में भी यहाँ पे आपको काफी बढ़िया सीटें मिल जाती है। इसके बाद है गाइज हमारे पास ट्रिपल आई टी रांची का सीएससी, जहाँ पे 120 सीट्स मिलती है। ये ट्रिपल आई टी भी काफी फेमस है, इनफैक्ट हमने प्लेसमेंट रिगार्डिंग इन सभी बातों का डिस्कस किया हुआ है, तो चैनल पेजेस को एक्सप्लोर आपको जरूर करना है। इसके बाद है गाइज हमारे पास ट्रिपल आई टी नागपुर का सीएससी, 223 सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो महाराष्ट्र में दो ट्रिपल आई टी काफी फेमस है, ट्रिपल आई टी पुणे एंड ट्रिपल आई टी नागपुर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सभी प्रकार के रिजर्वेशन अवेलेबल है, सिर्फ फीमेल सुपर न्यूमरी को छोड़ के। इसके बाद है गाइस हमारे पास ट्रिपल आईटी पुणे का सीएससी, जहां पे 209 सीट्स आपको मिल जाती है, और यहां पे एवरी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे आप पीडब्ल्यूडी सेक्शन से बिलोंग करते हो, ओपन हो, ईडब्ल्यूएस हो, या फिर फीमेल सुपर न्यूमरी में भी यहां पे ऑल इंडिया कोटा रखा गया है, तो ये काफी बढ़िया बात है। इनफैक्ट ऑल ओवर महाराष्ट्र काफी डिमांड में चलने वाला ये ट्रिपल आई टी भी रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल आई टी भागलपुर, जहाँ पे 165 सीट्स मिलती है। तो यहाँ भी सीएससी के लिए सभी प्रकार के रिजर्वेशन अवेलेबल है। इसके बाद है हमारे पास ट्रिपल आई टी भोपाल, जहाँ पे 150 सीट्स है सीएससी में, लेकिन यहाँ पे फीमेल सुपर न्यूमरी में किसी भी तरह का कोटा अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है गाइज हमारे पास ट्रिपल आई टी सूरत, जहाँ पे 90 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ भी लगभग सभी प्रकार के रिजर्वेशन अवेलेबल है। इनफैक्ट ट्रिपल आई टी सूरत का नया कैंपस भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इस रिगार्डिंग हमने वीडियो में आपको बताया भी है, उस वीडियो में हमने प्लेसमेंट भी डिस्कस किए हुए है, तो वो वीडियो भी आप जरूर चेक करें। इसके बाद है गाइज हमारे पास ट्रिपल आई टी अगरतला, जहाँ पे 70 सीट्स आपको मिल जाती है। लगभग सभी प्रकार के रिजर्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएससी में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल आई टी रायचूर, यहाँ पे 80 सीट्स आपको मिल रही है सीएससी में, और यहाँ भी रिजर्वेशन काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास ट्रिपल आई टी वीआईसीडी दीव दमन, दीव दमन कैंपस का ये ट्रिपल आई टी है, वडोदरा का एक्सटेंशन, जहाँ पे
8 सीट्स आपको मिलती है सीएससी में। यहाँ भी लगभग सभी तरह के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है। इसके बाद है हमारे पास ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर, काफी फेमस ट्रिपल आईटी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग की, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ही ये ब्रांच आता है। 30 सीट्स ही आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जनरली यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप अच्छे से इस चार्ट को, वीडियो को पॉज करके जरूर आगे बढ़े। इसके बाद है हमारे पास ट्रिपल आईटी भागलपुर का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, 4 ईयर का ये भी कोर्स है। सिर्फ 30 सीट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके बाद है हमारे पास ट्रिपल आईटी धारवाड़ का डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 4 ईयर का बीटेक डिग्री, 85 सीट्स आपको मिलती है। फीमेल सुपर न्यूमररी में किसी भी तरह का कोटा यहाँ पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल आईटी श्री सिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, 4 ईयर का ये ब्रांच, जहाँ पे 66 सीट्स मिलती है और लगभग सभी तरह के यहाँ पे रिजर्वेशन हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे हमने ANA लिखा है उसका मतलब है वहाँ पे रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है। फिर इसके बाद है गाइज हमारे पास ट्रिपल आई टी डी एम कुरनूल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, 4 ईयर का ये ब्रांच, यहाँ भी 60 सीट्स है। फीमेल सुपर न्यूमरी में आपको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल आई टी रायचूर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस ये ब्रांच, जहाँ पे 60 सीट्स है और लगभग सभी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशंस अवेलेबल है। इसके बाद है हमारे पास ट्रिपल आईटी लखनऊ का कंप्यूटर साइंस ये ब्रांच। हालांकि कई बार स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं सर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हमें डिफरेंस बताइए, तो कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे आपको अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं मिल रहा है लखनऊ का तो आप कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 60 सीट्स आपको मिल जाती है, रिजर्वेशंस हमने इस चार्ट में दी है, तो चार्ट को पॉज करके आगे जरूर बढ़े। इसके बाद है गाइज हमारे पास ट्रिपल आईटी लखनऊ का ही कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ब्रांच, इसमें भी आपको 60 सीट्स मिल रही है। इसके बाद है गाइज हमारे पास ट्रिपल आईटी कोटियम का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, तो ये भी काफी उभरता हुआ ब्रांच है, काफी डिमांड में चलने वाला ब्रांच है, जहां आपको 65 सीट्स मिलती है और लगभग सभी तरह के रिजर्वेशंस आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद है ट्रिपल आई टी डी एम कांचीपुरम का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ मेजर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे 46 सीट्स आपको यहां पे मिल जाती है। अगर आपको ट्रिपल आई टी डी एम कांचीपुरम का मेन सी एस ई ये ब्रांच नहीं मिलता है तो इस ब्रांच को भी आप कंसिडर जरूर कर सकते हैं। इसके बाद है गाइस हमारे पास ट्रिपल आई टी रांची का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ भी आपके पास 30 सीट्स मिल जाती है। किस तरह के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक हो सकते हैं कैटेगरी वाइज वो हमने दिए है। फीमेल सुपर न्यूमरी में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट है गाइज हमारे पास ट्रिपल आई टी डी एम कांचीपुरम का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 5 ईयर का ये ड्यूअल डिग्री कोर्स है, जहाँ पे आपको बीटेक एंड एमटेक का डिग्री मिलेगा। 60 सीट्स आपको मिलेगी। फीमेल सुपर न्यूमरी में किसी भी तरह का रिजर्वेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। और इसके बाद गाइज आज की वीडियो की सबसे लास्ट ट्रिपल आई टी हमारे पास ट्रिपल आई टी डी एम कुरनूल का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 5 ईयर ड्यूअल डिग्री ये ब्रांच, जहाँ पे सिर्फ 20 सीट्स आपको मिलती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक हमने यहाँ पे दी है। फीमेल सुपर न्यूमरी में यहाँ भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे गाइज हमने टोटल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिलेटेड 41 ब्रांचेस आपको बताई है। आईटी ब्रांच के कट ऑफ को लेके हम और एक स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए जरूर बनाएंगे। और गाइज आज के वीडियो की सबसे खास बात ये रही है कि यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक मिल जाती है, जिसके लिए आपको कई बार अलग अलग तरह के गूगल सर्च करने पड़ते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक वीडियो के स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।